शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पटना फैशन वीक के डेट अनाउंस हो गए एंड गहना इज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। सबको पता है कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। ये सब मुकाबला शुरू तो होने दीजिए, फिर देखते हैं। हम भी इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे। मुकाबले के लिए तैयार? तैयार, बिल्कुल तैयार। हम भी तैयार। कभी ना भरने वाला जख्म दिया है तुमने हमें, और ऐसे जख्म देने वाले जब छोट की चिंता करते हैं तो हंसी आती है हमें। हमें पुस्तिलों का सहारा नहीं चाहिए। नहीं झुमकी, ये वाला नहीं, ये वहां रखो और दूसरे क्वेश्चन लेकर आओ। हाँ, और जल्दी करो ना। हाँ। मास्टर जी, हमें इस कुर्ते में स्मार्ट फिट चाहिए। और हाँ, लाल, गुलाबी, पीला, हरा, सफेद, केसर या हर रंग सुहाग का रंग होता है। हर धर्म, हर पंथ के हिसाब से अलग अलग रंग है। तो हमारे शादी के जोड़ों में भी हर रंग की झलक होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे देश में लोगों के जीने के, उत्सव मनाने के और शादी को एंजॉय करने के तौर तरीके भले ही अलग हों, लेकिन हम लोग जिंदगी में प्यार के रंग से जुड़े हुए लोग हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं मास्टर जी? क्या ना, कपड़े तो सारे सेम होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मन में विचार चल रहे होते हैं वो मायने रखते हैं। इसीलिए गहना जैसा बोल रही है, कपड़ों में भी एग्जैक्टली वैसे ही दिखना चाहिए। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर है ना, यहाँ पर लेस चाहिए, लेकिन लेस तो हमारे पास है ही नहीं। गहना, ये हमारे पास कुछ लेस रखी थी हमारी शादी के लहंगे की, देख लो अगर तुम्हारे कुछ काम आए तो। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलवेज वेलकम। नहीं नहीं नहीं, ये सब क्या है? दिस इज टू सिंपल। कौन देखेगा इन डिजाइन को? और तुम ना जाके अपनी आंखें टेस्ट करवाओ, क्योंकि तुम्हें सिंपल और स्पेशल के बीच में कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। और खाना थोड़ा स्पाइसी खाया करो, क्योंकि रूखा सूखा खा के ना तुम्हारा स्वाद और तुम्हारी आंखें दोनों ही खराब हो चुकी हैं। और तुम दोनों मेरी बात सुनो, जो हमारे मॉडल्स होंगे वो ये डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई यू नो अनपढ़ जाहिल नई सी कोई डिजाइनर है, लाइक कोई पिछड़े हुए गाँव की। ओके, एकदम क्लासी होना चाहिए। इसीलिए जो हमारा थीम है वो है पेस्टल्स, तो हमारे सारे मॉडल्स ना पेस्टल कपड़े पहनेंगे। उस गहना को क्या लगता है कि चार दिन उसने मेरे साथ काम कर लिया तो बहुत बड़ी डिजाइनर बन गई होगी? मजाक है क्या? चार बार मेरी गाली क्या खा ली उसने? उसे लगता है उसे मेरा आर्ट मिल गया है, पर बिल्कुल नहीं। ये है मेरा फाइनल रिजल्ट, और गहना की होगी बहुत बड़ी इंसल्ट। कुछ भी हो जाए गहना, जीतना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि उर्वशी का अहंकार तबाह होना बहुत जरूरी है। तुम तबाह हो जाओगी गहना, क्योंकि जीत सिर्फ मेरी होगी। गहना, शो स्टॉपर का ड्रेस रेडी है? हाँ, रेडी है। नाइस, आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो चलिए खाना खा लेते हैं। हाँ बस खाते हैं ना, अभी थोड़ा सा काम और बचा है वो कर लेते हैं हम एक बार। आपका ना ये थोड़ा सा कभी नहीं होता, चलिए। अरे लेकिन हम कह रहे हैं ना, बस थोड़ा सा काम है अब। एब्सोल्युटली नो, इस वक्त मैं बहरा हूँ और गूंगा भी हूँ। दुनिया का ये पहला गूंगा होगा जो खुद बोल रहा है।
लेकिन तो और इस गूंगे को और इस बहरे को एक इंसान को यहाँ से लेके जाके डाइनिंग टेबल तक ले जाना आता है। चलिए। अरे चलिए 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 चलिए। क्या बात है, आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, कोई वजह? प्यार की मालगाड़ी सीटियां बजा रही है। मतलब? समझाता हूँ, बैठो। इस कंपटीशन का चाहे कोई भी परिणाम हो, लेकिन इस कंपटीशन की तैयारी में उर्वशी और गौरव एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। शायद भगवान ने ये मौका इसलिए दिया है ताकि इनका भटकता हुआ रिश्ता मंजिल तक पहुंच सके। माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र, हम तो डर ही गए थे। जब गौरव ने कंपटीशन के लिए मना कर दिया तो हमें लगा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे कैसे खत्म होने देंगे? इनके बेजान रिश्ते में जान फूंकने की जिम्मेदारी हमने किसी को सौंपी है। जिम्मेदारी सौंपी है? किसको? फरिश्तों के नाम नहीं होते, और अगर नाम होते भी हैं तो लिए नहीं जाते। शायद भगवान ने इस फरिश्ते को इसलिए भेजा है ताकि हमारी बेटी का जीवन सुधर सके। गौरव, तुम? चाहे तुम हमें कितना भी कह लो, कहना तुम हमसे जितना दूर जाने की कोशिश करोगी ना, हम तुम्हारे उतना ही करीब आएंगे। गौरव, हम तुमसे दूर नहीं रहना चाहते, लेकिन पास रहना भी तो मुमकिन नहीं है, और हमारी जो मजबूरी है वो तुम समझ भी नहीं सकते। बहुत मुश्किल से पल मिले हैं ना, कहीं सफाई में मत गवाओ। ये शादी की शेरवानी बहुत खूबसूरत बनाई है जी। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी दोनों बेटियां इतनी प्रतिभाशाली हैं। माफ करना बिटिया, हमने तुम्हें काम के समय परेशान किया है, लेकिन कुछ बात ही ऐसी है कि जो हम तुमसे करना चाहते थे। दरअसल हम बहुत खुश हैं क्योंकि उर्वशी और गौरव के बीच सब ठीक होने लगा है, और इसकी वजह तुम हो। तुम सचमुच इस घर का काला टीका हो। तुम्हारे सिर्फ होने भर से सब ठीक हो जाता है। हमें बहुत खुशी है कि उर्वशी और गौरव एक साथ काम करने लगे हैं। उर्वशी को उसका प्यार वापस मिल गया। आप चिंता मत करिए साहब जी, सब अच्छा ही होगा। खूब मेहनत करो, जरूर जीतोगी। वैसे कोई हारे या जीते उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए हमारी दोनों बेटियां विजेता हैं। हमारी दोनों बेटियां हीरा हैं, हीरा। जीती रहो बेटा। हम इस प्रतियोगिता में जीतेंगे या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारी असली जीत को हमने खुद ने हार में बदल देने वाला वादा कर दिया। थैंक यू गहना। अच्छा बेटा, तैयारियां कैसे चल रही है कंपटीशन की? बहुत ही अच्छी बड़ी मेम साहब, लेकिन हमारे मन में ये प्रतियोगिता का भाव है ही नहीं, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी तो पूरी। हाँ, तैयारी तो पूरी पर हारने की।
लीजिए मेम सर। विश्वास अच्छा होता है, आत्मविश्वास बहुत अच्छा, लेकिन अति विश्वास वो कभी कभी घातक होता है, क्योंकि इंसान अपने मन के विचारों में ही खोया रहता है और उसे पता ही नहीं चलता कि सामने वाला क्या कर बैठे। इसलिए ध्यान दीजिए मेम साहब, क्या पता इस साल आपके सामने कौन तगड़ी दावेदारी पेश कर रहा हो। चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल गहना, उर्वशी चौधरी को कोई हरा नहीं सकता, है ना पापा? जीतना और सोचना कि हम जीत गए, इसमें फर्क है। क्या पता कब किसका पलड़ा भारी हो जाए। महेंद्र जी, हमें नहीं पता कि इस कंपटीशन में कौन जीतेगा, पर इतना जरूर जानते हैं कि इस बार गहना की जम के तारीफ होने वाली है। अरे डिजाइन्स बहुत अमेजिंग है। चाय और खातिरदारी उसकी करो जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है, बाकी लोगों को चाय वाय देने की जरूरत नहीं है। अपनी हार का इंतजार करो गहना, क्योंकि तुमने उर्वशी चौधरी से टकराने की कोशिश की है, और मेरा हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि जो भी मुझसे टकराया है वो अपने मुंह के बल गिरा है और फिर पूरी तरह बर्बाद हुआ है। ओके? यही तो फर्क है आप में और हम में। क्या? आप लोगों को बर्बाद करने के लिए इस कंपटीशन में आई, और हम अपने विकास के लिए, कुछ नया दिखाने के लिए। आप तो बस लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ जीतने आए हैं, आपकी तरह लोगों को हराने नहीं। भाई हमें तो हार जीत से कोई मतलब नहीं है, मजा तो इस बात का है कि चारों ने कुछ नया करने का प्रयास किया है और ये सराहनीय है। गौरव, कितनी बार गए हम तुमसे, हमारे रिश्तों के अब कोई मायने नहीं रहे, इसलिए अब हमारे कमरे में आना बंद करो, बस हमसे दूर रहो। मौके का फायदा वो तो सिर्फ केवल आप उठा सकते हैं। उठाया था ना आपने हमारा फायदा। गौरव, ये क्या कर रहे हो? तुम एक मॉडल हो, अभी इतना बड़ा फैशन शो आने वाला है, संभालो खुद को। नहीं मानोगे हमारी बात? गौरव कहा ना तुमसे, छोड़ो गौरव, चली जाओ हमारी जिंदगी से दूर। तुम्हें कहा था ना कि हमारे पीछे पीछे आना छोड़ दो, तो अब तुम क्यों आई हो यहाँ पर? हमारी जो मर्जी हम वो करेंगे, तुमसे क्या? ठीक कहा था ना तुमने कि हम कौन है तुम्हें रोकने वाले, तो अब तुम कौन हो हमें रोकने वाली? जाओ यहाँ से। गौरव, हम कह रहे हैं छोड़ो, छोड़ दो गौरव, मत करो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये मेरा पति है, मेरा मॉडल है, मैं अपने पति को संभाल लूंगी। तुम दूर रहो इससे, समझी? देखा तुमने आज क्या हो रहा था वहां पर? हाँ देखा, मजा आ गया। क्या मजा आ गया? तभी गहना दे धनादन उर्वशी को नहले पे दहला दे रही थी। माना उर्वशी हमारी बहन है, मगर क्या कर,
वो इतनी अहंकारी है ना कि जब वो हारेगी ना तो हमें अच्छा लगेगा, तभी तो उसके अहंकार के मुंह पे करारा तमाचा पड़ेगा। जैसे तुम्हारे पड़ गया है आंख और दिमाग पे पर्दा। अरे वहां पे कुछ और भी चल रहा था। क्या चल रहा था? फिल्म, फुल तमाशा, मसाला वाली फिल्म। तुम्हें तो पता ही है बहुत टाइम से हम मौका ढूंढ रहे थे अपनी खोई हुई जगह वापस पाने की, जो आज हमें दिखाई दिया। और वो मौका क्या है? तो नाचते हुए लट्टू। मतलब? मतलब गौरव और वंश दोनों। अरे दोनों ही तो लट्टू हैं कहना पर। तुम ना कुछ भी बोलती हो, माना वो दोनों लट्टू हैं भी, मगर इसमें हमें अपनी जगह वापस पाने का मौका कहाँ से आ गया? इसीलिए कहते हैं कि अपने दिमाग और आँख को खुला रखा करो। हमने कल खुद अपनी आंखों से देखा भी और सुना भी, इसीलिए गहना मतलब वंश गहना को पाने के लिए ही उसकी इतनी मदद पे मदद किए जा रहे हैं। खास बात तो ये है कि जब से उस नौकरानी को वंश का साथ मिला है, उसने उर्वशी के सामने खड़े रहने की ताकत आ गई। अगर वही ताकत मतलब वंश का साथ हमें मिल जाए तो जरा सोचो, हम कब से मौका ढूंढ रहे थे गौरव को उसकी औकात दिखाने का, लेकिन अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर पापा जी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर हमारा साथ दे दे तो चुटकियों में हमें हमारी खोई हुई इज्जत, मान सम्मान, हमारी जगह हमें वापस मिल जाएगी, जिसके हम हकदार हैं। और वैसे भी उर्वशी और गहना दोनों उस गौरव से प्यार करते हैं, और वंश और गौरव की आपस में कुछ खास नहीं पड़ती है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। तो एक काम करते हैं, एक प्लान बनाते हैं वंश को अपनी साइड करने का, लेकिन अपनी आंख कान और दिमाग खुला रखते हैं। सारे नौकरों वाले काम हमसे ही करवाएंगे। मम्मी जी, गहना के डिजाइन देखी हमने, लगता है इस बार कंपटीशन में धमाल मचाने वाली है वो। अच्छा करेगी ना? हाँ, क्यों अच्छा नहीं करेगी, बहुत मेहनती लड़की है वो। हाँ वो तो है, लेकिन वंशी उसकी बहुत मदद कर रहे हैं, भर भर के उसकी मदद कर रहे हैं, इंच इंच पे उसको गाइड कर रहे हैं, जैसे गौरव किया करता था, बिल्कुल अपना समझ के। अब बताइए जरा, आजकल के जमाने में ऐसा कोई करता है किसी के लिए? करने वाले करते हैं श्रेया, और सच बात है वंशी बहुत अच्छे आदमी, वो गहना की मदद कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ ये तो है, मदद भी कर रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और ध्यान भी रख रहे हैं। वैसे मम्मी जी, हमारी गहना और वंशी दोनों की जोड़ी कैसे रहेगी? कैसी बातें कर रही हो श्रेया, वो शादीशुदा है। खाक शादीशुदा है, उसका पति तो कब से उसे छोड़कर चला गया, और वो कभी वंश कभी गौरव, ऐसे लड़कों के साथ दोस्ती करेगी तो किसी का भी पति छोड़ के जाएगा ही ना। कुछ भी बोले जा रही हो श्रेया, सोच समझ कर बोला करो, किसके बारे में बोल रही हो? गौरव हमारा दामाद है, उसे इन सब मामलों में मत घसीटो। सोच समझ के ही तो बोलते हैं, लोहा गरम था, थोड़ा और तपाया और मार दिया हथौड़ा। देखिए वंश जी, जूते बहुत ही जरूरी होते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। चले ये पेंसिल चबाए बिना सोच नहीं सकती हो क्या? कितनी बार कहा है ये पेंसिल मत चबाया करो, निकालो बाहर। आपसे कितनी बार कहा है पेंसिल चबाए बिना मैं कुछ सोच ही नहीं सकती। कहना आप ये काम करते वक्त ये पेंसिल क्यों चबाती हो? वो हमारी ना आदत है,
पेंसिल चबाए बिना हम कुछ सोच ही नहीं सकते। वो हमें कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बताइए ना। गहना हमें तुमसे कुछ बात करनी है। वो हम अभी काम कर रहे हैं तो। गहना हमें जरूरी काम है, चलो हमारे साथ। गौरव बुरा मत मानना लेकिन हम बात बाद में भी कर सकते हैं ना, हम अभी काम में फंसे हुए हैं। गहना हम कह रहे हैं हमें जरूरी काम है, चलो हमारे साथ में। बहुत खुश हैं कि हमारी दोनों बेटियां इतनी प्रतिभाशाली हैं। दोनों बेटियां मतलब? ये है तुम्हारा शो स्टॉपर आउटफिट? इतना घटिया। तो एक काम करते हैं, तुम्हारे इस डिजाइन में ना थोड़े से चेंजेस। बस उर्वशी मैम साहब, किसी भी चीज को हाथ मत लगाइएगा। आप हमारे आउटफिट्स की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि हम हारने से डरते नहीं है और कल इस प्रतियोगिता में हमें पता चल भी जाएगा कि हमारे दिल से बनाए गए आउटफिट्स जीतते हैं या आपके दिमाग से बनाए गए आउटफिट्स। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।